छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा सत्र 2021-22 के कक्षा पहली ले दसवीं तक के 55,86,866 विद्यार्थी मन ला ये बच्चर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देहे के लक्ष्य। विगत बच्चर के जैसे ही शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय और अनुदान प्राप्त शाला मन के कक्षा पहली ले आठवीं तक के विद्यार्थी मन ला पहुँचाया जाही संकुल स्तर तक। यहाँ ले संकुल प्रभारी मन के द्वारा संबंधित शाला के प्रधान पाठक शिक्षक मन के माध्यम ले करे जाही वितरित। बालोद जिला के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के कोसमी गांव में निवृत्त हालत में एक शिक्षिका के मिली लाश। शिक्षिका के रस्सी ले बंधे रही हाथ पैर। पुलिस ला आशंका है कि दुष्कर्म के बाद शिक्षिका के करे गए हत्या। घटना स्थल में जांच में जुटी पुलिस। सीन ऑफ क्राइम यूनिट दुर्ग के अधिकारी भी पहुंची इस घटना स्थल। डॉग स्क्वाड की टीम भी रही मौजूद। राजधानी के पुराना बस्ती इलाका में नाबालिग संग गैंग रेप के शर्मसार करे वाला मामला है आगू। बता दें के 16 बच्चर नाबालिग के साथ नशीला पदार्थ खिला के बॉयफ्रेंड समेत चार लोगन करीन गैंग रेप। मामला की शिकायत के बाद पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपी मल्ला करीस गिरफ्तार। प्रदेश में कोरोना वायरस ले संक्रमित मरीज मन के संख्या में देखे बर मिला थे कमी, साथ ही मौत के आंकड़ा हुआ जाते कम। प्रदेश में शुक्रवार के 741 नवा कोरोना मरीज आई आगू, जबकि 15 लोगों की कोरोना ले हुई मौत। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर है 2.1%। बलौदाबाजार जिला के पलारी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रीवा डी मा एक बुजुर्ग महिला प्रेमिन बाई यादव के आवास योजना में अधिकारी मन के मिली भगत के कारण हुईया घोर लापरवाही लले के शिवसेना हा पलारी जनपद सीओ ला सौंपिन ज्ञापन। जल्द से जल्द महिला ला न्याय दिलाए के भी करीस मांग, जेमा शिवसेना जिला सचिव मुकेश साहू समेत जम्मो शिवसेना के पदाधिकारी मन रहिन उपस्थित। बीजेपी है प्रदेश सरकार के खिलाफ महाअभियान के करी शुरुआत। बीजेपी कांग्रेस सरकार के ढाई बच्चर में करे काम ल लेके जाही आम जनता के बीच। बीजेपी के अभियान ल लेके आबकारी मंत्री कवासी लखमा कसिस तंज। कही बीजेपी ना देश के विकास चाहत है ना प्रदेश के, ए झूठ के पुलिंदा लेके गांव में जाही। बीजेपी ह 15 बच्चर में सिर्फ जूता टिफिन और मोबाइल ही बांटिस। मिशन 2023 ल लेके कही 2023 में तो का 2040 में भी नहीं बन पावे बीजेपी की सरकार। बिलासपुर के तखतपुर पुलिस का गांजा तस्करी मामला में छापा मार के हासिल करी बड़का सफलता। खपरी गोडाउन में रखे बड़का मात्रा में गांजा के जखीरा करे बरामद। गांजा तस्कर सब्जी के आड़ में करत रही ड्रग्स के अवैध धंधा। एसडीओपी रश्मि चावला के अगुवाई में पुलिस का खपरी गोडाउन में करी छापा मारी, जेमा बड़का मात्रा में करे गई गांजा बरामद। पुलिस अधिकारी बन बताई के 24 बोरा में करीब 9 क्विंटल गांजा हो बरामद, जेकर कीमत आके गए 1 करोड़ रुपया। काम निपटा के घर लौटत बाइक सवार तीन युवक हुईन सड़क हादसा के शिकार। जानकारी के मुताबिक धमतरी सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम गिधावा निवासी 5 दोस्त काम करे गए रहिन कांकेर। वापिस लौटत बेरा गोरसा नाला मोड़ कना बाइक अनियंत्रित होके पेड़ ले जा टकराइस। घटना के बाद संतोष सहारे और देवेंद्र मरकाम बेहोश होके मौका में ही पड़े रही। जल्ला मरे समझ के सदमा में बाइक चालक मनीष कुंजाम फांसी लगा के कर ली आत्महत्या। छत्तीसगढ़ सरकार के तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार ला साकार करत हुए परिवहन विभाग है 1 जून ले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र ला आवेदक मन के घर में पहुंचाए के काम करी शुरू। योजना के प्रारंभ होए ले प्रदेश के 2 करोड़ ले भी ज्यादा लोगन ला विभाग के 22 ले भी ज्यादा सेवा घर बैठ के हुई प्राप्त। मुख्यमंत्री बघेल के दिशा निर्देश में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल नेतृत्व में योजना के करे गयी शुभारम्भ। कोरोना के दूसरा डोज लेहे के बाद शरीर में लोहा चिपके के मामला प्रदेश में भी आइस आगू। राजनांदगांव नगर निगम के चेयरमैन है टीका लगाए के बाद शरीर में लोहा स्टील धातु चिपके के करीस दावा। चेयरमैन सुनीता फडणवीस के पति अशोक फडणवीस सोशल मीडिया में दीस एकर जानकारी। बताइस के कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेहे के बाद पत्नी के शरीर चुंबक जैसे करत है काम। बर्तन लोहा समेत दूसर स्टील धातु आसानी ले चिपक जाते। बता दें कि अशोक के पत्नी सुनीता नगर निगम वार्ड नंबर 23 के है पार्षद। खरसिया विकास खंड के 2 जन मृत शिक्षक मन के हुई पदोन्नति, विभाग के काम में उठा थे सवाल। प्राथमिक शाला अंजोरी पाली में कार्यरत स्वर्गीय सुशील कुमार और प्राथमिक शाला दर्री में पदस्थ स्वर्गीय भोजराम गुरु जी के पदोन्नति सूची में जारी करे गए नाम, जबकि दोनों गुरु जी के हो चुके मौत। ये घटना हाँ विभाग के लापरवाही ला करत जाहिर। बिलासपुर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पति है दारू पी के पत्नी के जोरदार करी पिटाई। गंभीर रूप ले घायल पत्नी ला परिवार वाला मन इलाज बर सिम्स में कराए रही भर्ती, जी हाँ ओकर हुई मौत। मामला में पुलिस ला हत्या के अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश करी शुरू।
गरियाबंद में महिला के खुदकुशी मामला में हुई बड़का खुलासा। 2 बछर ले प्रताड़ित होवत रही महिला आखिरकार तंग आके कर ली आत्महत्या। पता चले कि दहेज प्रताड़ना ले तंग आके महिला हा उठाए रही कदम। सबूत छुपाए बर अस्थि मल्ला बांध में बहा दिए गयी, जेकर बाद महिला के पति सास जेठ ससुर समेत 6 लोगन ला शुक्रवार के कर लिए गए गिरफ्तार। छुरा थाना क्षेत्र के गाय डबरी गाँव के है पूरा मामला। कोरोना काल में सबो स्कूल बंद है, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए निजी स्कूल मन के फीस वसूली के मुद्दा भी नहीं हुआ थे शांत। अब पालक मन ला भेजे जाते कानूनी नोटिस। राजनांदगांव के एक निजी स्कूल के है मामला। स्कूल है वकील प्रियंका राय के जरिए पालक मन ला भेजे गए है नोटिस। कबीरधाम जिला के तहसील सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम मानपुर पटवारी हल्का नंबर 22-23 के पटवारी गजेंद्र चंद्रवंशी ला रीड पुस्तिका बनाए बर 11,000 रुपया लेवत एंटी करप्शन ब्यूरो करीस गिरफ्तार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2.5 बछर के कार्यकाल पूरा होए में चंद रोज है बाकी, लेकिन भाजपा अभी ले सरकार ऊपर हमला कर दिए है तेज। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार के विफलता मन ला गिनात हुए कही 2.5 बछर पूरा होए में सवाल तो पूछे ही जाही और ये सवाल मन के जवाब भी मुख्यमंत्री बघेल ला देना ही होही। बलौदा बाजार बिलाईगढ़ ब्लॉक के पौनी में बदमाश मन शुक्रवार देर रात ATM ला काट के चोरी करे के करीन कोशिश। ग्रामीण के सूझबूझ ले लाखों रुपया चोरी हुए ले बातचीत। मामला की सूचना मिला थी मौका में पहुंची बिलाईगढ़ पुलिस। रात 2 बजे के बताए जाते घटना। रायपुर ले सटे खरोरा में प्राइवेट अस्पताल की नई रुकत है लापरवाही। यशोदा चिल्ड्रन अस्पताल खरोरा के डॉक्टर ममता मल हर 7 महीना के लड़का ला लगा दी 3 महीना पहली एक्सपायर्ड टीका, जेकर ले लड़का के हालत 1 महीना तक रही गंभीर। 85 रुपया के वैक्सीन ला लगाए बर डॉक्टर ह लिही 1200 रुपया। राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, कलेक्टर समेत सबो आला अधिकारी ले लड़का के पिता करे एक शिकायत। बेमेतरा जिला ला मिली 172,65,00,000 रुपया के लागत के विकास कार्य के सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करिस लोकार्पण और भूमि पूजन। जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम। फेसबुक में दिल्ली के एक युवक है सरगुजा जिला की युवती ले दोस्ती कर फिर ओला नौकरी दिलाए का झांसा दे के अपन कना बुला ली। एक बाद घर में बंधक बना के करी दुष्कर्म। 6 महीना तक करी दैहिक शोषण। पीड़िता कोनो तरह अपन परिजन मन ले करी संपर्क। परिजन के शिकायत के बाद पुलिस आरोपी ले करी गिरफ्तार। पथरिया ब्लॉक के नगर पंचायत सरगांव में 3 एल्डरमैन राज्य शासन ला बनाना रही, जेमा 2 झन एल्डरमैन पहली ले बना दे गयी। एक पद खाली रही, जेमा सरगांव के युवा चेहरा मुकेश साहू ला एल्डरमैन बनाए गयी, जेकर ले युवा मन में भारी खुशी और जोश देखे गयी। सरगांव के इतिहास में पहली बार ऐसे हुई के मनोनीत पार्षद युवा ला बनाए गयी। कोंडागांव के शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 500 छात्र मन के भविष्य हुई अंधकारमय। कॉलेज ये छात्र मन ला परीक्षा में बैठे बर करीस अयोग्य घोषित। प्राचार्य परीक्षा ले पहली UGC नियम के दिस हवाला। उन्हें विद्यार्थी मन ला जैसे ही परीक्षा ले वंचित करे जाए के जानकारी मिलीस था सबो पहुंची इन कॉलेज, लेकिन नहीं सुने गई उनकर बात। अंतिम वर्ष के बजाय पहली वर्ष परीक्षा दे के कहे जाते बात। कोरिया के बैकुंठपुर जिला सत्र न्यायालय के जज के बंगला में मिली भृत्य के शव। मृतक जिला सत्र न्यायालय में ही रही भृत्य। ये मामला में पंचनामा कार्रवाई के बाद शव ला पोस्टमार्टम पर भेजी पुलिस। पुलिस के कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद ही मृत्यु के कारण के हो पाई खुलासा। राज्य सरकार के 2.5 साल कार्यकाल ले के जनता से करे गए वादा खिलाफी के मामला ले के BJP सरकार घेरे के काम करा थे। प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता लेके कांग्रेस सरकार के कमी लगी ना थे। यही सब मामला ले के कोरबा प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे है पत्रकार वार्ता लेके कांग्रेस सरकार की विफलता लगी ना और राज्य सरकार के खिलाफ जम के निशाना साधी। कृषि विभाग गांव-गांव में किसान चौपाल लगा के करत है किसान मन ला जागरूक। जोरनी क्षेत्र में किसान मन ला जैविक खाद ला खेत में ज्यादा ले ज्यादा प्रयोग करे और जैविक खेती करे बर करे गए प्रोत्साहित। किसान मन ला ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और किसान मन ला फलदार वृक्ष लगाए बर करे जाते प्रोत्साहित, जेमा शासन कोती ले किसान मन ला 3 साल तक मिली सालाना 9,000 से 10,000 रुपया। अभी पे रहे छोटकुन ब्रेक ले के आप मन कहूं झंझा देखत रहो आप मन के अपन चैनल News 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।